लो जी पब्लिक हम हो गए हैं तैयार थोड़ा बहुत और निकल पड़े हैं आप लोगों को। ओ तेरी भैन दी सीढ़ी, ओए डिगण लगा सीढ़ी में। भाई साहब बड़ा माहौल बन गया हुआ है। हम जा रहे हैं टाउन सेंटर, जो सिक्योरिटी की जॉब मैं करता हूँ उसकी पैंटें लेने के लिए, तो उनकी पैंटें जाके लेते हैं और कोई टोपी शोपी कोई फुल छुल, टिकटॉक की जो वीडियो वायरल हुई थी ना वो मेरे दिमाग में चली, तो फुल छुल मार दो को टोपी शोपी, तो वो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी बस पे बैठ के जाऊँगा क्योंकि गाड़ी यहाँ पे लेके जाना बड़ा डेंजरस है। एड्डी भैन जिसकी ठंड के बीच भी लोग गड्डी तो आ रहे हैं यार, कैसा दिमाग पाया गया इन्होंने। बाकी खैर चलते हैं वहाँ से जाके यूनिफॉर्म खरीदते हैं और फिर वापस आते हैं ये चेक करें। ओ भैन जी सी डिगन लगा सी, ओए लो जी पब्लिक बस आ गई और इसके ऊपर हमने बैठ के जाना है 192 के ऊपर टाउन सेंटर। लेट्स गो। लो जी पब्लिक बस के अंदर, ये क्रोकर जहाँ पे हम वॉक करते थे इसकी हालत चेक करें क्या हुई है क्या, मुंह पे लपक चढ़ गया हुई है तो ये चेक करें क्या ही नज़ारा है। आप लोग नज़ारा इन्जॉय करें तब तक। लो जी पब्लिक हम टाउन सेंटर में एंटर हो गए हैं, ये हमारा लास्ट स्टॉप है, यहाँ से अब निकल के हम बाहर जाएंगे और आपको दिखाएंगे टाउन सेंटर। लो जी पब्लिक हम आ गए हैं टाउन सेंटर के अंदर, अभी इधर थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ना है और ये बढ़ावे चेक करें जो बनाए हैं पुतले, पाँव बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है क्योंकि मैंने शूज़ भी इस तरह के पहन लिए हैं कि जो ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ना है कि ब्लाग बनाते हैं अद्धा उर्दू अद्धा पंजाबी में ब्लाग है गाइस, माजरत आज ना वो समय जबकि वो यू नो स्नो पड़ी है ना तब की मुंह से वो जो कलाम है ना वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, मतलब अब्यूजिंग कलाम। देसी बंदे हैं भाई, वो ज़्यादातर मुंह से इस तरह की चीज़ें निकल जाती हैं, माजरत ये चेक करें। बाकी जाके आपको दिखाते हैं, हमने असल में जाना है जहाँ पे वो प्राइम मार्क देख रहे हैं अपने देसी, मोस्टली वहाँ पे जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं वहाँ से। उसके पीछे रीज़न ये है सस्ती चीज़ें मिलने का कि मोस्टली यहाँ पे सस्ती चीज़ें ही मिलती हैं और मैंने ऑलरेडी शॉपिंग आपको पता ऑनलाइन ही कर ली थी, अभी बस ये दो बहाने बन गए। मैंने कहा चलो एक तो व्लॉग बन जाएगा और एक हम अपना यूनिफॉर्म ले आएंगे, जो सिक्योरिटी की पैंटें हैं ना वो ले आएंगे। ठीक है, तो सुन लिया जी भांजे मेरे का अपनी देसी जा रहे थे। बाकी ये है कि यहाँ पे देसी माहौल भी काफ़ी ज़्यादा है मैनचेस्टर वाली साइड पे, ये चेक करें बर्फ में बच्चे खेल रहे हैं, ये चेक करें कोई नहीं उन्होंने पता सी भैन दी सीरी साड़ी ठंड में जान साड़ी निकलन डई है तो उन्होंने पता ही नहीं। चेक कर लो माहौल, यहाँ से ये फुवारे निकलते होते थे पिछली दफ़ा वीडियो भी बनाई थी उसमें व्लॉग में आपको दिख रहा होगा, अभी ये फुवारा सारा ही उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो बड़ा देख देख के चलना पड़ा क्योंकि व्लॉग बनाते हुए ये ना हो कि अपनी कोई लतमा अलग हुई हो। तो लेट्स गो, ये प्राइमार्क पास ही आ गया, इसके अंदर जाते हैं। लो जी हम ये बिल्कुल प्राइमार्क के पास हैं, यहाँ पे हैं कबूतर मीन्स किचन। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सर्दी नहीं लगती यार, मनु तो ऐसी कि जानवर शानवर सारे अंदर वड़ देते हैं ठंड के बच्चे, ये बाहर ही घूम फिर रहे हैं, क्या बात है क्या माहौल बनाया। आ चेक करो किसी ने क्या बनाया हुआ। खैर चलते हैं हम प्राइमार्क के बिल्कुल सामने आ चुके हैं, प्राइमार्क को एक गेट नहीं लगता, 3-4 गेट लगते हैं दरवाजे। तो आज पता नहीं क्यों आधा व्लॉग पंजाबी का बन रहा है, उर्दू नहीं बोली जा रही, चलो खैर जो भी है देखने वाले देख लेंगे। बाकी वो भी प्राइमार्क का गेट दरवाज़ा है, वाली तरफ भी है बट हम उधर से एंटर होते हैं। लेट्स गो।
लो जी, हम प्राइमार के अंदर इंटर हो गए हैं और मेरे ख्याल से ऊपर वाला है या नीचे वाला है, यहाँ पे तो सिर्फ लेडीज़ का है मेरे ख्याल से। ये रहा हमारा ऊपर का रास्ता और नीचे का रास्ता, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले नीचे, उधर से तो ऊपर आ रहे हैं लोग की कार की रही हम। अच्छा ये ओहो, खैर ये इधर से ऊपर आते हैं लोग, बट वो परली तरफ से जाना पड़ना है। यहाँ से हम चलते हैं उधर, क्योंकि इधर से हम हो गए हैं कन्फ्यूज लिफ्ट को देख के लिफ्ट को देख के कन्फ्यूज हो गए हैं, तो लेट्स गो चलते हैं उधर से। लो जी हम आ गए लिफ्ट पे। पहली बार कौन लिफ्ट पे चढ़ा था और उसको बड़ा डर लगा था, मुझे याद है मैं पाकिस्तान में जब लाहौर में था तब चढ़ा था लिफ्ट पे पहली दफ़ा, लाहौर गया था खेलने के लिए। और वहाँ पे हम आ गए ऊपर अब, और यहाँ पे आपको जी गाइस हमारे साथ जी प्रैंक हो रहा है। हम ऊपर वाली जगह पे गए थे और ये है लड़कियों वाली साइड, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ की चीज़ें होती हैं, अभी हमें जाना है किसी और तरफ जहाँ पे जेंट्स की चीज़ें मिलें। फाइनली गाइस आखिरकार मेहनत करके हम जेंट्स वाले खाने में आ ही गए हैं। पहले हम ऊपर वाले खाने घूमते रहे हैं जहाँ पे बच्चों का था और लेडीज़ का था, और अब आ गए नीचे वाले में। अब यहाँ पे ढूंढनी है हमें मेन चीज़ें जो चाहिए। लो जी पब्लिक, हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, और यार कितने हल्के हैं यार बैग, हमारी शॉपिंग डन हो गई है गाइस। तो अब चलते हैं घर की तरफ, लेट्स गो। हूँ आधा घंटा लगना जड़ा ना दरवाज़ा लभन नू, ऐसी हैं खुद नज़र आ गया सी ना मैं, चलो इंज भी करके दिखा दिना मैं आई हूँ, अल्लाह की कसमें मैं आई हूँ। बाहर कितों जाना, कितों बाहर जाना है चौधरी, कितों तो बाहर जान दे उसकी, सेकंड फ्लोर से बाहर जाने याद आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने नीचे आके लास्ट फ्लोर जो सा उसका है, वो बोलते हैं जेंट्स का, और जो सेकंड फ्लोर है और दरमियान वाला वो लेडीज़ का, उससे ऊपर वाला भी लेडीज़ का। तो हम पहुंच गए हैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ से जाना है कहीं बाहर, कितों बाहर जाना हूँ बाहर देखो, ओ कोने तो शायद बने रास्ता, हाँ बढ़िया है, लेट्स गो। लो जी गाइस हम आ गए हैं घर के पास, ये बस लेके आई थी हमें ये जो पीछे आ रही है, और पता नहीं मुझे क्यों ऐसे फील हो रहा है कि बर्फ़ पड़ी है तो सर्दी कम लग रही है, कल बर्फ़ नहीं थी पड़ी हुई तो सर्दी ज़्यादा लग रही थी। ये वाली बस लेके आई है हमें ये जो आगे जा रही है, और घर के हम बिल्कुल पास आ गए हैं, यहाँ से हम चलते हैं घर। घर जाके नाश्ता मैंने ऑलरेडी कर लिया था, चाय पीने वाली रह गई थी तो चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा ट्रेडिंग का काम करते हैं, लेट्स गो। लो जी पब्लिक हम आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल, अम्मी को लेके उनकी अपॉइंटमेंट थी, कोई आयरन का और विटामिन डी का प्रॉब्लम बता रहे हैं बाकी। हाँ जी मैम जी, सर्दी कैसी लगी इतने दिन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, मुझे सर्दी पसंद है खुदा के फजल से, आज बहुत प्यारा मौसम है जी। और मेरे प्यारे लोगों, मेरे अपने लोगों जी, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, बहुत बहुत ही अच्छा आज का मौसम तो, सुभान अल्लाह। बड़ी दिनों बाद धूप निकली, बड़ी दिनों बाद ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की ये धूप है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है।
सर्दी बढ़ती है लेकिन अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो सर्दी पसंद है। चलें जी गाइस, यहाँ पे ये देखिए उन्होंने साल्ट फेंका हुआ, नीचे ये आपको पाँव की आवाज़ भी आ रही होगी। बाकी चेकिंग करवा ली है, वो कह रहे हैं उन्होंने दोबारा खून टेस्ट वगैरह ले लिया जी, के चेक करते हैं कि क्या वजह खून, मतलब ये है कि आयरन की कमी और विटामिन डी की कमी क्यों है। बाकी अभी घर चलते हैं और थोड़ा क्रिप्टो के बारे में नॉलेज लेते हैं। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो जी गाड़ी चला ली है हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो अम्मी को वापस लेके आने के बाद कुछ खास काम नहीं था ना मैं बाहर निकला, और अभी ये है कि सर्दी बहुत है और हमने जाना है जॉब के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं जॉब पे, और जॉब पे जाने के बाद जाते हुए फ्यूल भी डलवाना है, और आप हमारा जो सा ना हो ये आज ठंड बहुत है तो चलो फ्यूल डलवाने चले। लो जी गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपनी शेरनी को यहाँ पे फ्यूल पिलाने, तो फ्यूल पिलाने का टाइम हुआ जाता है, चेक कर लीजिएगा यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड कहाँ पे होता है ये देख लीजिएगा। लो जी ये शेरनी ने हमारे फ्यूल पिया, बंद करो जी बंद करो, पहले इसको बंद करना होता है बाद में दूसरे काम, ये चेक कर लें बस ठीक है। ये देख लें ये 7343 इस तरह करके समथिंग, ठीक है जी इतने पाउंड का इसने फ्यूल पी लिया। हम जाते हैं पैसे कटवाने, पैसे कटवाते हुए याद आया कि व्लाग लंबा हो रहा है तो मेक श्योर कर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो बेल आइकन दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लाग में, लव यू बाय बाय सी यू।